गिव जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू फोरफीचर एंड रीइश्यू। आपको इसके अंदर ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पास करनी। कह रहा अल्फा लिमिटेड इशूड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल एट द रेट 3 एप्लीकेशन एंड ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल टू मिस्टर हरीश। दी शेयर वर फोरफिटेड बाय कंपनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। 300 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यू टू मिस्टर अमर एट ₹8 फुली पेड। सर सेकंड कॉल का मतलब फाइनल कॉल ही ना? हाँ सेकंड कॉल का मतलब फाइनल कॉल। समीर देख बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले, इनको कर लेंगे हम। ठीक है तो यहाँ पर क्या किया मैंने, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा तो सबसे पहले ये पता लग गया कि ₹10 का एक शेयर है, ₹2 का उसके ऊपर प्रीमियम है, टोटल 10+2। तो मैंने यहाँ लिखा एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹2, 3, 3, 6, 4, 10+2। कौन कौन से को पैसा नहीं दिया, फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, वो भी कितने शेयर के लिए, 300 शेयर के लिए। अच्छा 500 शेयर इशू कर रहे थे और 500 शेयर में पैसा नहीं थी, इसका मतलब 500 शेयर थे टोटल, ये दे दिया ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिए और हमने इसके शेयर फोरफिट कर लिए। और कितने शेयर रीइशू करे हैं, 500 की जगह 300 शेयर रीइशू करे हैं ₹8 के हिसाब से। क्लियर? यस। तो आपको क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी सिर्फ फोरफिट की और रीइशू की, बाकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 500 × ₹10, 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना 500 × ₹2, 2 शेयर फाइनल कॉल ₹500 × ₹2, बाकी जो हो गए वो कहाँ चले गए, शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड अकाउंट में कितने रुपए, 3,000। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर बेचने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का है, 300 शेयर बेचे 8 के हिसाब से, तो साफ पता लग रहा ₹2 का नुकसान हो गया। एक सेकंड, ये मैंने लिख दिया 300 × ₹8, ये हो गया 2400, 600 का नुकसान, और यहाँ पर आ जाएगा 300 × 10, 3,000 रुपए। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो 3,000 का प्रॉफिट है, हाँ बेटा बोल, ये एंट्री समझ में नहीं आई, यहाँ पे शेयर कैपिटल 5,000 होना चाहिए था ना यहाँ पर। हाँ सर, क्यों, मैं ऐसे किया था ना हमने कि 5,000, नहीं किया, नहीं नहीं ऐसे नहीं किया था, जितने शेयर रीइशू कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 300 × 10। अच्छा ठीक है, तो अब ये 3,000 जो प्रॉफिट आया है वो कितने शेयर पे आया, 500 पे, लेकिन ये वाला जो लॉस है वो कितने शेयर पे रहा, 300 पे। तो पहले हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पर तीसरी एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने बोला अगर 500 शेयर पे 3,000 का प्रॉफिट होता है तो बताओ 300 शेयर पे कितना होगा। तो ये कर लेते हैं, 3,000 × 300 / 5, 1,800 रुपए।
अब इस 1800 को यहाँ लिख दूंगा, माइनस कर दूंगा 600 से, टोटल आ गया 1200 रुपए का कैपिटल। समझ आई बात? समीर क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? यस सर। ये बेटा एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा। सर ये कैपिटल रिजर्व की कैपिटल रीइशू, कैपिटल रीइशू कहाँ पढ़ लिया बेटा तूने? ऐसे तो टर्म ही नहीं होती, कैपिटल रिजर्व। आओ बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख बेटा ये भी तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। गिव जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू फोरफीचर एंड रीइशू, 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच ₹8 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। मतलब 400 शेयर पे ₹10 मांगे गए, लेकिन जिसमें से, मतलब 400 शेयर ₹10 के हिसाब से थे, लेकिन जिसमें से हमने मांगे कितने, कॉल्ड अप कितना, ₹8। क्लियर? तो बेटा खुद सोचो पॉइंट को कि ₹8 अगर मांगे गए, ₹6 हैज बीन फोरफिटेड, तो बताओ कितना पैसा नहीं मिला। समीर पॉइंट समझ रहे वाला? यस सर। मतलब टोटल शेयर ₹10 का था, कॉल्ड अप वैल्यू ₹8 थी और फोरफिटेड वैल्यू ₹6 थी, तो बता कितना पैसा मिला नहीं मुझे। चार पर शेयर ₹2 भाई, कॉल्ड अप कितना है 8, मिला कितना 6, तो बच कितना गए 2। तो मेरी यहाँ पर एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 400 इंटू ₹8 कॉल्ड अप, ₹3200 मांगे गए, 2 कॉल्स इन एरियर, 400 इंटू ₹2 कितना, ₹800, और 2 शेयर फोरफिटेड कितना, 400 इंटू ₹6 ₹2400। समझ आई क्वेश्चन, नहीं समझ आई? यस सर। कहता उसमें से 300 शेयर हमने ₹7 के हिसाब से बेच दिए, मतलब इसमें से 300 शेयर बेच दिए, तो कहानी बेटा सेम होगी, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर बेचे 300, उनकी कीमत 10 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी, 3000, लेकिन हमने कितने का बेचा है, ₹7 का, 2100 के हिसाब से, बच कितने गए 900, यहाँ लिख देंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। एंड लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, वही ये 400 शेयर के हिसाब से है, हमें निकालना कितने के हिसाब से है, 300 के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर एंट्री क्या लिखी, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक मिनट, कैपिटल रिजर्व तो क्या हो जाएगा, वही सेम कहानी हम करेंगे यहां पर, कि अगर 400 शेयर पे 2400 का प्रॉफिट है, तो बताओ 300 शेयर पे कितना होगा, और माइनस कर देंगे किसके साथ, इस 900 के साथ। दैट्स इट, ये हो गया 2400, ये वैसे 1800 माइनस 900, 900 ही आ जाएगा, 900। एनी डाउट? क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ये था 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एबीसी लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो कह रहा ₹10 ईच में फोरफिट कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, जो कि अलॉटमेंट मनी पर है, ₹3 पर शेयर में इंक्लूड है। इसका मतलब ₹10 का 10% कितना हो गया, ₹1 का प्रीमियम। ये प्रीमियम किस में इंक्लूड है, अलॉटमेंट पे इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल ₹3 की है,
जो मिली नहीं है, फाइनल कॉल 2 रुपए की है जो मांगी नहीं है। बेटा पॉइंट समझ रहे हो क्या लिखा गया यहाँ पर, मतलब टोटल शेयर 10 रुपए का था जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम था। सुनना बेटा ध्यान से बात, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था अलॉटमेंट पर, मतलब ये अलॉटमेंट कैसा हो जाएगा 2+1। फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की, सेकंड कॉल थी 2 रुपए की, तो खुद सोचो 3 2 5 2 7 मतलब 3 रुपए बच गए। समझाता हूं देखने के बारे में, तुम्हें क्वेश्चन में एप्लीकेशन पता नहीं है छोड़ दो, अलॉटमेंट पता लग गया कितना है 2+1, फर्स्ट कॉल तुम्हें पता लग गई कितनी है 2, फाइनल कॉल तुम्हें पता लग गई कितनी है, अच्छा फर्स्ट कॉल 3 है फाइनल कॉल 2 है, फर्स्ट कॉल 3 फाइनल कॉल 2। तो बेटा एक शेयर कितने रुपए का है समीर, एक शेयर कितने रुपए का है 11, 10 रुपए प्लस 1 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए का एक शेयर। तो भाई देख 3 2 5 2 7 तो बच्चे कितने 3 ना, तो ये 10 रुपए हो गए। एनी डाउट? अब वो कह रहा कि आपने मतलब उसको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला नहीं और सेकंड कॉल मांगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पेड है ये पेड है, ये उसने दिया नहीं और ये तो हमने मांगा ही नहीं, तो इसका मतलब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आ गई 3 2 5 3 8 रुपए। क्लियर? यस सर। कह रहा 20 शेयर को क्या करना, रीइशू कर देना 8 रुपीज पेड अप फॉर 9 पर शेयर, मतलब अब शेयर की कीमत 9 रुपए की है लेकिन 8 रुपए का पेड अप है, तो इसका मतलब क्या हो गया देखो ध्यान से, फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं यहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 100 शेयर इंटू 8 रुपए 800, 2 फर्स्ट कॉल या फिर कॉल्स इन एरियर कितना 100 इंटू 3 रुपए 300, बाकी जो बच गया कहां चला जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना 500 रुपए। निकिता यहां तक कोई डाउट? अब मैं बेच रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल कितने का बेचूंगा, 20 शेयर बेचने हैं 8 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 160, लेकिन उसने बोला वो 20 शेयर 9 रुपए की कीमत वाले हैं तो 180, यहां पर 10 नहीं लिखा कि क्वेश्चन में बोला है 9 पर शेयर कि 9 के लिए 8 मिलेंगे, इसका मतलब 20 रुपए का तुम्हें क्या हो गया नुकसान हो गया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट 20 रुपए। सिंपल सी बात हो गई, क्लियर खत्म। अगली एंट्री फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, ये 500 शेयर 500 रुपए कितने शेयर पे है 100 पे, तो बताओ 20 पे कितना होगा, जो भी आएगा उसको 20 से माइनस कर देना। तो यहां देख लेते हैं 500 × 20 डिवाइड बाई 100, 100 आ गया माइनस 20 कर देंगे 80 रुपए तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में चला गया। एनी डाउट बेटा निकिता और समीर? यस सर। नो सर। देखो ये 5-5 मार्क्स के तुम्हारे 10 ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। चलो मैं करवा देता हूँ होमवर्क, क्या देखो करवा देता हूँ। जेड लिमिटेड फोरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट 20% टू अंकित, जेड लिमिटेड ने 50 शेयर फोरफिट करे जो अंकित को दिए गए थे 20% के प्रीमियम पर, इसका मतलब एक शेयर कितने का है 10+2 का है। कह रहा है जिसने 60 शेयर अप्लाई किए थे, कितने शेयर अप्लाई किए थे अंकित ने, 60 शेयर अप्लाई किए थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी
6 रुपए का जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था, मतलब 6 रुपए उसने अलॉटमेंट पर नहीं दिया एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए, जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया था, ओवर पेड किया था, उसको एडजस्ट कर देना अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कुछ बातें समझ आई नहीं समझ आई निकिता? जो तेरा डाउट हो रहा था ना कैलकुलेट का, यहां पर हो जाएगा क्लियर। ठीक है यस। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बेटा तुम्हारे पास मैंने पीडीएफ भेज दिया वैसे ये। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी ना मैं ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बेटा, इसके अंदर एप्लीकेशन दिख रही है? एप्लीकेशन मनी दिख रही नहीं है? नहीं दिख रही है। अलॉटमेंट मनी दिख रही है? कितनी है? 6 रुपए यस सर है। इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4+2। क्लियर? 4 क्यों? क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम है ना, तो 6 का मतलब क्या हो गया, 4+2 हो गया। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। क्लियर? अब देखो ध्यान से, क्या एप्लीकेशन तो है नहीं, लेकिन एक शेयर 10 रुपए का है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, एप्लीकेशन 4 2 6, तो कितने का हो गया, 4 रुपए का हो गया। यहां तक कोई डाउट सर? फाइनल कॉल भी तो है ना उसमें, कहां फर्स्ट और फाइनल? फाइनल। हाँ तो इकट्ठे बता देना, फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 रुपए की है, मतलब कि पहली वाली ही आखिरी है, ये जो फर्स्ट कॉल है यही लास्ट है, तो फर्स्ट एंड फाइनल। क्लियर? यस यस सर। अब वो कह रहा कि जो एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया, लेकिन ये दोनों की पेमेंट करी नहीं। क्लियर? तो अब देखो, शेयर अप्लाइड, अंकित ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 60। 60 अप्लाई किए, यस सर। लेकिन उसको मिले कितने? देखो फोरफिट हम कितने कर रहे हैं, 50 ना, 50। तो इसका मतलब उसने इसको अलॉट कितने किए हमने, 50 किए। क्लियर? समझ आएगी बात? यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने, 60। नंबर ऑफ शेयर अलॉट कितने, 50। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना, 60 × 4 रुपए, 240 माइनस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना, 50 × 4 रुपए, 200 रुपए। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया, 40। एक्सेस मनी अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ड्यू कितना, 50 × 6 रुपए, 300 माइनस एक्सेस मनी कितना, 40 रुपए, कितना बच गया, 260। और ये क्या है, नॉट रिसीव। एनी डाउट बेटा? सर अगर एक्सेस मनी ज्यादा आएगा और अलॉटमेंट का ड्यू कम हो तो फिर क्या करेंगे? तो जो पैसा बचेगा उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, समझ गए? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 340 होता ना, तो मैं 340 नहीं लिखता, यहाँ 300 लिखता, इसको जीरो कर देता, बाकी जो 40 बचता सेम कैलकुलेशन करता अलॉटमेंट की जगह पर फर्स्ट कॉल के लिए, और वहां पर एडजस्ट कर देता। क्लियर? ठीक है सर। 40। बस क्वेश्चन में क्या पूछा, आगे बढ़ते हैं। कहता फोरफीटर की, सिर्फ फोरफीट की एंट्री करनी है, फोरफीचर के रिगार्डिंग जो भी एंट्री, रीइशू तो किया नहीं, तो एक ही एंट्री पास करनी है। मेरी एंट्री क्या हो गई,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 × ₹10 500। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 × ₹2 कितना 100। अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम था तो लिख दिया, लेकिन ऊपर तो लिखा ही नहीं, ऊपर लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पैसा मिल चुका था। अगर ये पैसा ना मिला हो तो लिखना, जैसे यहाँ पर मिला ही नहीं है तो मैंने लिख दिया नीचे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना नहीं मिला ₹260 और टू कॉल्स इन एरियर, कितना नहीं मिला कॉल्स इन एरियर ₹2 के हिसाब से, तो 50 × ₹2 ₹100 क्योंकि 50 शेयर है, दोगे ₹100, बाकी जो बच गया टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, तो कितना हो गया 600 − 360 ₹240। क्वेश्चन खत्म। एनी डाउट बेटा? ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आया हुआ है देखो, 3 मार्क्स का, ठीक है? Yes, लो अब क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम का। देख बेटा ध्यान से देखियो, जो तेरे से फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ अब हो जाएगा। कह रहा वाई लिमिटेड इनवाइटेड पब्लिकेशन टू सब्सक्राइब 10,000 इक्विटी शेयर, ₹100 के हिसाब से ₹10 का प्रीमियम है, तो मतलब टोटल 110 बन रहे हैं ना। Yes, sir. बेटा इसको प्लस करो कितना आ रहा है, 110 ही आ रहा है। 110. तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, जब भी प्रीमियम गिवन हो तो जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो तो आप अज्यूम करोगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट में ही इंक्लूड होता है, क्लियर? यस सर। इसका मतलब, ये इसका मतलब क्या हो गया, 30 + 10। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था चौथा, पांचवा देखेंगे अब हम। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, कितने कितने रुपए है, 20, 30, 20, 20 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, यही था ना, उल्टा लिख दिया, ये था 30 रुपए और ये था 20 रुपए और यहाँ जाएगा प्लस 10 रुपए, टोटल 100 + 10 रुपए। एनी डाउट? नो सर। आगे कहता एप्लीकेशन मिली कितने की है, 13,000 की, पर बेटा कि हम कितना दे सकते हैं, 10,000। वो कह रहा है इसमें से 2,000 लोगों को रिजेक्ट कर देना और बाकी अलॉटमेंट दे देना रिमेनिंग वालों को। हमने कहा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां बना रहा छोटा सा, चलने यही बना। शेयर अप्लाइड कितने करे हैं, टोटल शेयर अप्लाइड कितने हैं, 13,000। यस सर। तो नीचे लिखा 13,000, हम कितने दे सकते हैं, 10,000। कोई डाउट? नो सर। अब वो क्या कह रहा, तुम 2,000 वालों को रिजेक्ट कर दो, तो बेटा अगर मैं 2,000 वालों को रिजेक्ट कर दूं तो 11,000 वालों को कितने शेयर दूंगा, 10,000। क्लियर? यस सर। कहता डायरेक्टर ने दोनों कॉल मांगी, ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल फॉर 300 शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर रिक्वायर्ड नोटिस फॉर सबलेट। मतलब डायरेक्टर ने 300 शेयर पे, डायरेक्टर ने पैसा मांगा तो सारा पैसा तो मिल गया, लेकिन 300 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला और हमने फोरफिट कर दिया। कह रहा बाद में जो 300 में से 200 शेयर को हमने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। क्लियर बेटा पॉइंट? तो इसका मतलब ये है
कि एक 300 शेयर वाला बंदा था जिसने ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया, लेकिन इसका पैसा दिया नहीं हमने 40 का। क्लियर क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। यहाँ पर देखो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे फिर बना लेते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड एक्सेस एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट और रिफंड। 2000 × 20 40,000 वापस कर दिए। 11,000 × 20 सॉरी ये 4,000 होगा। हाँ तो ये हो गया 4,000, 4,000 और 4,000, ये हो गया 22,000। 10 × 20 ये हो गया 2,00,000। अच्छा मैंने गलत कर दिया, नहीं पहले सही किया था ना, 40 ही था जी। 2,20,000 ये हो जाएगा 2,00,000, ये हो जाएगा 20,000 और एडजस्ट कर देंगे 20 के 20 को। निकिता समझ आ गया? यस सर। 2,60,000, 2,60,000, 20,000 और 40,000। अब क्या करेंगे? अब जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 13,000 शेयर पे मैंने 10 रुपए मांगे। 10 मांगे, ज्यादा मांगे? कितने थे? 10 थे, 20 थे, 20 रुपए मांगे। तो ये हो गया 2,60,000 रुपए। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,60,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 2,60,000। 2 शेयर कैपिटल कितना? 10,000 × 20 2,00,000। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना एडजस्ट हुआ? ये रहा 20,000 रुपये। 2 बैंक वापस कितना गया? 40,000। देखो ये पूरा जो बॉक्स है ना, ये जनरल एंट्री है। देख ये पूरी बॉक्स को जनरल एंट्री में बदल दिया हमने, समझ गए? क्लियर होगी बात? यस सर। आगे बढ़ेंगे अब सेकंड एंट्री की तरफ। अलॉटमेंट का पैसा मांगने जा रहे हैं अब हम। ये तो हो गया फर्स्ट कॉल का पैसा, मतलब कि एप्लीकेशन का पैसा। अब चल रहे हैं हम किसका पैसा मांगने? अलॉटमेंट का पैसा। मैंने बोला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टोटल 40 रुपए। 20,000 शेयर के, 10,000 शेयर के हिसाब से कितना हो गया? 4,00,000। बट हाँ 4,00,000, लेकिन यहां पर वैल्यू कितनी है शेयर्स की? 30 + 10 तो यहाँ 30 × 10,000 तो हो गया असली पैसा, 3,00,000 रुपए हो गया कैपिटल का, और सिक्योरिटी प्रीम रिजर्व का कितना हो गया? 10,00,000। 1,00,000। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। अब जब पैसा लूंगा मैं इससे बैंक अकाउंट डेबिट, तो वो क्या बोलेगा कि सर 4,00,000 आप मांग रहे हो, जिसमें से मैं आपको पहले से ही कितना दे चुका हूँ? 20,000 रुपए दे चुका हूँ। यहां से 20,000 रुपए वो क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो ये आ जाएगा 3,80,000 रुपए। टू शेयर
अलॉटमेंट। कितना? 3,80,000। अब अगली एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30 × 10,000 रुपए जो कि बनता है 3,00,000 टू शेयर कैपिटल 3,00,000। और सिक्स्थ बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल का पैसा पूरा मिल गया, हमने कहा फर्स्ट कॉल का मिल चुका, टेंशन की बात नहीं है, हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए 3,00,000 रुपए। सेवेंथ एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वही सेम 20 × 10,000 शेयर, तो कितना हो गया 2,00,000 रुपए टू शेयर कैपिटल 2,00,000 रुपए। लास्ट एंट्री क्या है, लेकिन जब पैसा मांगने गए तो क्या करा, पैसे मिले नहीं, यहां लिख दिया 2,00,000 माइनस कितने रुपए 300 × 20 6,000 रुपए, 6,000 रुपए मिले नहीं, तो मैंने लिख दिया 1,94,000 और 6,000 को लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, तो कॉल्स इन एरियर लिख दो जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। शेयर फाइनल अकाउंट 2,00,000, ठीक है। नेक्स्ट फोरफिट कर लो फिर रीइशू कर दो। अगली एंट्री नाइन्थ एंट्री फोरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो गया, फोरफिट कर रहे कितने शेयर 300 शेयर, 300 शेयर फोरफिट कर रहे हैं ना, यहां लिख देंगे 300 × 100 के 100 रुपए, 100 रुपए पूरे मांग लिए इससे हमने, हाँ 300 × 100 तो कितना हो गया 30,000 टू कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा नहीं मिला 6,000 रुपए, बाकी कहाँ डाल देंगे शेयर फोरफिट अकाउंट, कितना हो जाएगा 24,000। अगली एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट बेच रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट लेकिन 200 शेयर बेच रहे 85 रुपए के हिसाब से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो 285 के हिसाब से, यहाँ लिख देंगे 200 × 85, ये हो गया 17,000 रुपए, तो 15 रुपए का साफ साफ पता का नुकसान हो गया, तो टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, नहीं पता तो नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल कितना 200 × 100 मतलब 20,000 रुपए, तो 20 में 17 गए 3,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर, दैट इज लॉस। और लास्ट एंट्री क्या करेंगे, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैसे निकालेंगे, ये 24,000 जो है वो कितने शेयर पे है 300 शेयर पे, लेकिन हमें 200 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो लिखेंगे 24,000 पे 300 शेयर है, तो बताओ 200 पे कितना होगा, इससे माइनस कर देंगे किसको 3,000, 24,000 × 200/300, ये बेटा आ गया 16,000, माइनस कर देंगे 3,000, ये आ गया 13,000 कैपिटल। एनी डाउट बेटा, क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर? तो बेटा ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 15 मार्क्स का आया होगा, ये देखो 15 मार्क्स। डन? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, 5 मार्क्स का आया हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट को समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, आज ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा,
अगली क्लास में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करवाऊंगा। देखो टोटल गिनती क्या, हमें 7 चैप्टर की रिवीजन करनी है और 7 चैप्टर करनी है, ठीक है। 7 चैप्टर होते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज वेरियस एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड 2 लाख रुपए और जो पेमेंट है उसको 15,010 रुपए वाले प्रीमियम पर दिए हैं और बाकी बैलेंस पे कैश दी। तो इसका मतलब अगर आपने किसी से 2 लाख के एसेट खरीदे तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्स, जब मैं एसेट खरीदूं तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम वाई, तो वाई लिमिटेड कितने का? 2 लाख रुपए। अब वाई को पैसा देना है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए देने हैं। कैसे दिए हैं? उसने कहा आपने शेयर इशू करे, कितने शेयर इशू करें? 15,000 शेयर इशू करें। तो बेटा अगर 15,000 शेयर इशू करें तो शेयर कैपिटल 15,000 × 10 कितना हो गया? 1.5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15,000 × कितना परसेंट है? 10%, मतलब 1 रुपये प्रीमियम का, टू 1 रुपये, तो ये हो गया 15,000। अगर बाकी जो बच गया वो आप कैश में दे दो, इसका मतलब 2,-1,65,000 हमने कैश दे दिया बैलेंसिंग फिगर। एनी डाउट? इस केस का नाम क्या है? अदर देन कैश, याद है ना? कह रहा कैश के अलावा कोई और तरीके से पेमेंट कर दो। नेक्स्ट, कह रहा 20,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू करे गए हैं पब्लिक को एट पार पर, सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही मिल गया 20,000 शेयर, इसका मतलब लमसम मेथड। यहाँ पर मैं अगली एंट्री कर रहा हूँ, तीसरी, यह एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 20,000 शेयर कितने वाले हैं? 10 × 10, ये हो गया 2 लाख पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, थर्ड का ए हो गया, थर्ड का बी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 2 लाख। ये कौन सा मेथड हो गया? लमसम मेथड, यहां पर एक बार ये पैसा मिलता, ठीक है, क्लियर। कहता कंपनी ने 500 शेयर 10 वाले प्रोमोटर को भी दिए उनकी सर्विस के लिए, प्रोमोटर की सर्विस के लिए अगर पैसा दिया है तो एंट्री कैसे होती है? फोर्थ, सबसे पहली एंट्री ये हो सकती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रोमोटर एक्सपेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू प्रोमोटर। प्रोमोटर ने शायद कुछ खर्चा किया होगा, कितने का किया? 500 × 10 मतलब 5,000 का खर्चा किया, और ये 5,000 के बदले क्या दे रहा हूं उसको? मैं शेयर दे रहा हूं, तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने? 500 × 10 5,000। एनी डाउट? ये होगी प्रोमोटर रिलेटेड एंट्री। कोई डाउट बेटा? लो बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसके अंदर 3 टाइप की चीजें थी, वो कंप्लीट हो गया, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट बेटा होल्ड करो।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने 2 लाख शेयर्स के लिए 100 रुपए के हिसाब से अप्लाई किया, मतलब कि उसने एप्लीकेशन डाली कि आइए मेरे 2 लाख के शेयर्स खरीदिए। पेबल ऑन एप्लीकेशन 1 जून 2011, मतलब 1 जून को एप्लीकेशन मिलेगी 50 रुपए पर शेयर। अलॉटमेंट मिलेगी 31 अगस्त को 30 रुपए पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलेगा 30 सितंबर को 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से। क्लियर बेटा पॉइंट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। उसके बाद लिखा है कि एप्लीकेशन कितने की आ गई निकिता? एप्लीकेशन आई है 2.5 लाख रुपए की। शेयर वर रिसीव्ड, मतलब कि 2 लाख रुपए के हम शेयर इशू करवा सकते थे लेकिन 2.5 लाख की एप्लीकेशन आ गई है, तो एक्स्ट्रा आई है कि कम आई है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये, इस केस को क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? ओवर सब्सक्राइब। यस सर। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट 10,000 शेयर, मतलब कि जिन लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को मैंने मना कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? क्लियर? यस सर। कह रहा है अलॉट इन फुल एप्लीकेंट 40,000, जिन लोगों ने 40,000 के लिए 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उन लोगों को हमने पूरे के पूरे 40,000 दे दी। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। आगे देखो। यस सर। टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर, कह रहा है जो भी शेयर का बैलेंस बच गया है उसको प्रोराटा बेस पे एप्लीकेंट को दे देना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये प्रोराटा बेस क्या yes, होता है उसको समझते हैं पहले। तो पहले हम ये सब लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है, 6th और 7th। डेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं डेट और यहाँ पर टर्म्स लिख देता हूँ। 1 जून 31 अगस्त और 30 सितंबर। 30 सितंबर आगे लिखा है यहाँ पर शेयर, ठीक है इतना ही लिखा हो उसके बाद नहीं, मतलब दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50-30-30। तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट और ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल 50-30। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर रखी है क्योंकि इन लोगों ने 100 के हिसाब से बोला, ये 50-30 इसमें। बेटा एक काम करना, इस क्वेश्चन में ना कुछ मिस्टेक है तो आप इस फाइनल कॉल को 20 रुपए कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बता नहीं रखा कि ये प्रीमियम पर है कि नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ही जोड़ रखा, तो हम इसको बिना प्रीमियम के कर ले। या तो इसको 30 रहने दो, ऊपर डाल दो 10 रुपए प्रीमियम, या तो नीचे चेंज कर दो। समझ आएगी मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो चलो अगर क्वेश्चन ना चेंज करूं, मान लेते हैं इसने प्रीमियम पे ही शेयर दिया है, थोड़ा तो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाते हैं। इस 30 में प्रीमियम इंक्लूड है 10 रुपए का, इसका मतलब 20 प्लस 10 और बाकी ये 30 रुपए। एनी डाउट बेटा? निकिता कोई डाउट यहां तक? निकिता निकिता कोई डाउट यहाँ तक? लड़की बोली नहीं। मैंने यहाँ लिखा शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव,
एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड एक्सेस एडजस्ट टूवर्ड्स, देखो अलॉटमेंट भी लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता किस में एडजस्ट करना है, और मैं यहां पर कॉल्स भी लिख रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं रिजेक्ट या रिफंड। कोई दिक्कत यहां तक? निकिता बेटा टोटल कितने शेयर हमने कितने शेयर अप्लाई हुए हैं? 2.5 लाख। अलॉट कितने कर रहे हैं? 2 लाख। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? टोटल 2.5 लाख, और यहाँ लिख दिया टोटल 2 लाख। क्वेश्चन में कैटेगरी बना देता हूँ, वैसे तो कैटेगरी है नहीं, कहता पहले 10,000 को मना कर देना, फिर 40 को 40 दे देना। तो कैटेगरी वन, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, इनको कुछ भी नहीं मिला। कैटेगरी टू, 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, उनको 40 के 40 दे दिए। एंड कैटेगरी थ्री, 250 में से 50 चले गए बच्चे 2 लाख, और 2 लाख में से 40,000 चले गए बच्चे 1,60,000। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा बेस। एनी डाउट समीर बेटा? कोई डाउट? नो सर। निकिता देखो, तो इतनी सी कहानी थी इस पूरे, इन 3 लाइनें की यही कहानी। आगे क्या कह रहा? जो भी एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में मिलेगा उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। तो भैया अलॉटमेंट में करना है, हमने तो चलो कॉल भी बना लिया, देख लेंगे। आगे क्या कह रहा? वन एप्लीकेंट टू हूम शेयर हैड बीन अलॉटेड, कह रहे एक एप्लीकेंट जिसको शेयर अलॉट किया गया था प्रोराटा बेस के हिसाब से, उसने अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया, और उसके 200 शेयर हमने फोरफीट कर लिए। इसका मतलब एक बंदा था जिसको 200 शेयर हमने अलॉट किए थे, उस बंदे ने ना ही अलॉटमेंट दिया ना ही कॉल का पैसा दिया, और हमने उसके शेयर फोरफीट कर लिए। तो इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, एक बंदा था, कितने शेयर थे उसके पास? 200 शेयर। ये होल्डर था 200 शेयर, इसने ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया ना ही फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा दिया, और मैं इसके शेयर फोरफिट कर लिए। और यहाँ फोरफिट करने के बाद उसके शेयर को हमने उसमें से उसको शेयर को हमने 92 रुपए का रीइशू कर दिया, 92 का रीइशू कर दिया 30 नवंबर को। तो यहाँ लिख दिया रीइशू 30th नवंबर @₹92। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस पूरे बक्से को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,000 × 10,000 × 50 5 लाख। तो इसके 5 लाख फालतू आए, तो हमें इससे कुछ मांगते तो है नहीं, इसको पूरा का पूरा वापस कर दिए। अगला 40,000 × 50 20 लाख रिसीव, 20 लाख अलॉट, नो एक्सेस, कोई एडजस्टमेंट की बात ही नहीं। 2,00,000 × 50 दैट इज 1 करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और मांगे कितने थे? 1,60,000 इंटू 50 दैट इज 80 लाख। रिमेनिंग 20 लाख इज एक्सेस। तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे? 20 के 20 एडजस्ट कर देंगे, लेकिन चेक करना पड़ेगा, ध्यान से समझियो समीर बेटा। 1,60,000 शेयर के लिए तू अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने जाएगा? 30 के हिसाब से मांगेगा। तो 1,60,000 × 30 तो तेरे बन रहे थे 48 लाख रुपए। तो एक्सेस कितना पड़ा हुआ है तेरे पास? 20 लाख। तो क्या मैं पूरे 20 लाख एडजस्ट कर सकता हूँ? क्या समीर मैं पूरे 20 लाख एडजस्ट कर सकता हूँ? सर कर सकते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि
अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू हो रहा है उस बंदे का, 48 लाख रुपए, और एक्स्ट्रा कितना है 20 लाख, तो 20 का 20 एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। क्लियर? अगर यहाँ 18 लाख होता तो क्या पूरे 20 लाख एडजस्ट कर पाता मैं? नो सर। तो 18 लाख करता? यस सर। और बाकी 2 लाख मैं कॉल्स में एडजस्ट कर देता या तो वापस कर देता। क्लियर? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ से अब इस लाइन को हटा दे रहा हूँ। समझ आ गई मेरी बात? ये खत्म हो गया, इसको प्लस कर दो, 1 करोड़ 25 लाख, ये हो गया 1 करोड़, ये हो गया 70 लाख, ये हो गया 20 लाख, और ये हो गया 50 लाख, 5 लाख, 70 नहीं हो गया, ये 25 लाख हो गया, सॉरी। एनी डाउट समीर? यहाँ तक कोई भी डाउट बेटा पूछ सकता है मेरे से? आगे बढ़ जाओ समीर। यस सर। तो पहला 1 जून को एप्लीकेशन का पैसा मिला, इसके लिए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बना देता हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फॉर्मेटिंग बहुत काम आती है। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट, याद रहेगी फॉर्मेटिंग? ये तो फॉर्मेटिंग हम बचपन से करते आए हैं, है ना? यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा पहले, 1 जून 2011 हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 2.5 लाख × 50, तो यहां लिख दे 2.5 लाख × 50, ढाई लाख इंटू पचास, ये हो गया 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और सेम डेट को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि जो भी पैसा एप्लीकेशन में मिला था हमने उसको शेयर कैपिटल में डाला प्लस अलॉटमेंट में डाला, एडजस्ट किया प्लस हमने वापस भी किया, तो कितना मिला था, 1 करोड़ 25 लाख। अब ध्यान से बेटा देखियो समीर, ये देख 1 करोड़ 25 लाख, ये लिखा मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, फिर लिखा 1 करोड़, ये मैंने लिख दिया, कैसे निकला 1 करोड़, 2 लाख × 50, दैट इज 1 करोड़, फिर क्या आ गया 2 लाख रुपए, 2 लाख नहीं 20 लाख हो गए, हाँ 20 लाख, और लास्ट में आ गया 5 लाख। एनी डाउट? यहाँ पर ये फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अगली डेट अलॉटमेंट में पैसा मांगने गया और पता लगा एक 200 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया 31 अगस्त को, तो पहले ड्यू की एंट्री कर ले 31 अगस्त की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना है 2 लाख × 30, ये हो गया बेटा 6 लाख रुपए, नहीं 60 लाख हो गया, 2 लाख × 30 60 लाख, यहाँ हो जाएगा 2 लाख × 20 40 लाख, और ये हो जाएगा 20 लाख रुपए प्रीमियम। एनी डाउट? अब जब बेटा पैसे मिलने की बारी आई बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां पर क्या हुआ, घटना घटी, हमने कहा भाई टोटल हमें चाहिए 60 लाख रुपए, मैं 60 लाख लिख रहा हूँ, उसने कहा भाई मैं पहले 20 लाख दे चुका हूँ तो माइनस कर दूंगा 20 लाख रुपए, माइनस
वो जो 200 शेयर वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई निकालो। अप्लाई कैसे निकलेगा, अप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था, जो निकालना हो उसको क्या कर दो, जो भी निकालना हो उसको ऊपर रख दो। हमें निकालना है अप्लाई, तो अप्लाई को ऊपर रख दो। ये कौन सी कैटेगरी का बंदा होगा, क्वेश्चन में लिखा है कि ये प्रोराटा वाला बेस का बंदा है, तो मतलब दिस कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं कैसे निकालूंगा, जो निकालना है उसको ऊपर रख दो, 2 लाख को ऊपर रख दो, 1,60,000 को नीचे रख दो और मल्टीप्लाई कर दो 200 शेयर से। 2 लाख मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 1,60,000, दैट इज 250। तो इसने 250 शेयर अप्लाई किए और अलॉट कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर अलॉट कितने, 200 शेयर। तो हमने इसको बोला एप्लीकेशन मनी रिसीव, 250 × 50 12,500 माइनस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड 200 × 50 10,000, कितना हो गया, 2,500 रुपये एक्सेस। इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना, 200 × 30 रुपये। कैसे निकला 30 रुपये, टोटल 30 रुपये 6,000 माइनस एक्सेस 2,500, तो मतलब टोटल 3,500 रुपये मिले नहीं, नॉट रिसीव। और इसको यहां माइनस कर देंगे 3,500। एनी डाउट बेटा समीर निकिता, समीर कोई डाउट, नहीं सर। ये आ गया यहाँ पर 3,99,650 टू शेयर अलॉटमेंट, 3,99,650 कंप्लीट। अब अगला, अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, फाइनल कॉल 30 तारीख को मांगने चलते हैं। 30 सितंबर को शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, 2,00,000 × 30 2,00,000 × 30 दैट इज 60,00,000। फिर लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सेम डेट पे शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पर भी क्या घटना घटी, 60,00,000 माइनस कितने बंदे ने पैसा नहीं दिया, 200 शेयर होल्डर ने 30 के हिसाब से नहीं दिया, मतलब 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, 5,99,400। एक और जीरो आएगी बेटा यहाँ पर, 59,00,000 हो गई। 4,123,599,400 यहाँ तक समझ आएगी बात। अब आगे कह रहा फोरफिट कर लो, सेम डेट को ही फोरफिट कर लो, क्योंकि डेट नहीं लिखी हुई। तो हमने क्या किया, सेम डेट को ही फोरफिट कर दिया। यहाँ लिख रहे हैं हम सेम डेट को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हो, 200 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने, 200 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 2,000। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, 3,500 रुपए नहीं मिले। टू कॉल्स इन एरियर
अच्छा मैं यहाँ लिखा नहीं कॉल्स इन एरिया, तुम लिखना चाहो लिख सकते हो कि कॉल्स इन एरिया कितना लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये कितना हो गया 6000 टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 20000 प्लस 2000 माइनस 9500, तो 12500 रुपए मेरे जब्त कर लिए। अब क्या कर रहा है, 30 नवंबर को वो बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट चेक कर लेते कितने का बेच रहा है, 92 रुपीज का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 92 18400 रुपए नुकसान हो रहा है टू शेयर कैपिटल, 200 इंटू 100 20000 माइनस 1600 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया शेयर और फ्यूचर अकाउंट डेबिट। लास्ट और फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करेंगे क्या, ये भी 200 शेयर के लिए, ये भी 200 शेयर के लिए, दोनों को माइनस कर दो। तो यहां लिख देता हूं मैं 12500 माइनस 1600 दैट इज 10900। ले भाई समीर तेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई डाउट है तो मेरे को बता। समीर समझ आया नहीं समझ आया? यस सर आ गया। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। निकिता निकिता लड़की कहाँ गायब हो गया पता नहीं, नेक्स्ट देख बेटा। क्या बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा अब? हाँ समीर बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा। देख यहाँ पे साफ साफ लिख दिया उसने, 40000 वाले को 40000, 5000 वाले को नील, बाकी इसको इतना कह रहा है। ये 800 शेयर वाला जो बंदा है प्रोराटा कैटेगरी का है, मतलब ये वाली कैटेगरी का है। सेम ही क्वेश्चन हो गया ना ऊपर जैसा। हाँ सर। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब उसने यही पैसा नहीं दिया, फोरफिट कर दिया, ठीक है? यस सर। फिर बी को 600 अलॉट कर दे, फेल टू पे कॉलमेंट। अच्छा दो व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था, ये अप्लाइड वाला बंदा है या अलॉटेड वाला बंदा है, ठीक है? यस सर। और यहाँ लिखा है फोरफिटेड शेयर को हमने रीइशू किया है 10% के डिस्काउंट। तो क्या क्वेश्चन कर सकता है ये वाला कि नहीं कर पाएगा? ये कल वाले क्वेश्चन की तरह है, वो 1300 वाले की तरह। यस सर हो जाएगा। बस बेटा और कोई क्वेश्चन नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है? ये सब टेन ईयर के क्वेश्चन है, ओके? यस सर। तो बस यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, उसमें सिखाऊंगा बाकी चीजें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।